मौसम से हमें अक्सर शिकायत रहती है। धरती पर मौसम की चरम स्थितियाँ जैसे बाढ़, सूखा, गर्मी, सर्दी सब बढ़ने के कारण ये सब शिकायतें स्वाभाविक भी लगती है। लेकिन क्या होगा अगर आप गर्मी की छुट्टियाँ मनाने एक ऐसी जगह बिताने चले जाओ जहाँ 5,400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हो, या जहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो कि आपका जूता तक वहाँ पिघल जाए। दोस्तों, मौसम अच्छा हो या बुरा, यह सिर्फ हमारे ग्रह की विशेषता नहीं है। दूसरे ग्रहों पर भी अपना मौसम है, और अंतरिक्ष में मौसम कहीं गुना ज़्यादा भयानक है, आपके सोच से भी ज़्यादा। जैसे शुक्र ग्रह को ही ले लो, यहाँ रहना सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह के मुकाबले मुश्किल है, और वाइबन में शुक्र को नर्क कहा गया है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल की परत काफ़ी मोटी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ वायुमंडल सूर्य की गर्मी को अपने अंदर बनाए रखता है, जिससे ग्रह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप इस पर अपना कदम भी रखते हो तो आप पानी की तरह उबलने लगेंगे, और यह घटना अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं करती तो यहाँ के बारिश के बारे में आप सुन के आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जो अंतरिक्ष में घूमने निकलने किसी भी टूरिस्ट के त्वचा को बुरी तरह जला सकती है। सौर मंडल के दूसरे छोर पर गैस से बने दो विशाल ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून धरती से सबसे ज़्यादा दूर है, जहाँ का तापमान शून्य से 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। नेपच्यून पर जमे हुए मीथेन के बादल उड़ते हैं, और यहाँ पर हवा की रफ्तार सौर मंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से ज़्यादा होती है। इसकी सतह करीब पूरी तरह समतल है, यहाँ मीथेन की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हवा की रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे तक पहुँच जाती है। अब आते हैं बुध ग्रह पे। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सभी 8 ग्रहों के आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर इसका कोई वायुमंडल नहीं है। यहाँ का तापमान 165 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, यही वजह है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से बुध का वायुमंडल सबसे पतला है, मंगल से भी पतला, यानी कि ना के बराबर। यह हमेशा सौर्य मौसम से घिरा हुआ होता है, और यहाँ पर आप उतरने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह ग्रह अत्यधिक गर्म है। इतना गर्म कि आपके उतरते ही यहाँ पर भी आप पानी की तरह उबलने लगेंगे। मंगल। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल और मौसम है, लेकिन दोनों ही पृथ्वी पर हमारे अनुसार से अलग है। मंगल के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह ओजोन परत नहीं है। इसका मतलब है कि सूर्य और खगोल स्रोतों से आने वाली पराबैंगनी किरणें सतह पर बिना किसी बाधा के पहुंच जाती है। यहाँ पर धूल के तूफानों के अलावा मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ़ और CO2 बर्फ़ के कणों के बने बादल हैं। यहाँ का वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए सूर्य से निकलने वाली गर्मी मंगल ग्रह से आसानी से बाहर निकल जाती है। यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -153 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह खुशी की बात है कि आप मंगल ग्रह पर रह सकते हो, लेकिन बिना ऑक्सीजन मास्क के आप बाहर नहीं घूम सकते। यही वजह है कि एलन मस्क मंगल ग्रह पे इंसानी बस्तियाँ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंसानों को यहाँ रहना सौर मंडल के अन्य ग्रहों से काफ़ी आसान बनाता है। बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से पांचवा ग्रह है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह ग्रह ठोस तत्वों से नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस, धूल, मिट्टी ही है। यह अन्य ग्रहों की तरह ठोस नहीं। आप यहाँ पर उतरने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किसी जगह उतरने के लिए ज़मीन चाहिए, और यहाँ पर तो कोई ज़मीन ही नहीं है। चारों तरफ आपको बादल ही बादल दिखेंगे, और जो इस पे तूफाने चल रही हैं वो आपको इस ग्रह पे उतरने नहीं देंगी। और सबसे मुश्किल ये होता है कि आप उतरेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है। यह ग्रह केवल और केवल गैस से बना हुआ है।